तो मैं सुनील पी शर्मा, आज का वीडियो है मेरे चैनल का दूसरा टेक न्यूज़ अपडेट। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं और कौन सा न्यूज़ आपको चाहिए, इसलिए मैं ये टेक न्यूज़ बना रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद नोटिफिकेशन घंटे को दबाए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहला जो टेक न्यूज़ है वो है इंटेल कंप्यूटर प्रोसेसर का इंटेल वर्जन मूव कॉन्सेप्ट निकला है। मतलब इंटेल जो मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है आपको सबको पता है, लेकिन इंटेल का एक प्रोसेसर नया निकला है, वो मतलब बैटमैन जो मूवी के सीरीज है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट करके बनाया है। मतलब इंटेल प्रोसेसर और बैटमैन ये दोनों मतलब कोलाब होकर लॉन्च होगा। ये मूवी कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर इंटेल का नया कुछ गेमिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये आप लोग को डिपेंड करेगा कि इसमें क्या होगा। अब बात करेंगे दूसरा टेक न्यूज़ क्या है। दूसरा टेक न्यूज़ ये है कि मिड रेंज में आप लोग का ये न्यूज़ नहीं है, आप लोग का सवाल कि मिड रेंज में सबसे बड़ा फ़ोन क्या हो सकता है, मिड रेंज में सबसे बेहतर फ़ोन क्या हो सकता है जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, बेहतर बेहतर बैकअप मिले, बेहतर आपका स्क्रीन रेवोल्यूशन मिले और उसमें फुल डिस्प्ले हो। तो मैं आपको बता दूँ, इस विषय के ऊपर वन प्लस ने एक नया मोबाइल निकला है, वो है M+60। इसका प्राइस थोड़ा मिड रेंज, आप सभी के लिए मिड रेंज नहीं होगा लेकिन मिड रेंज में बढ़ता है, उसका प्राइस होगा 31,000। ये वन प्लस 60 के मिड रेंज के ऊपर ये थोड़ा अनाउंस करके थोड़ा ये जो गोबली न्यूज़ है वो वन प्लस का है। वन प्लस का एक मिड रेंज है, वो मिड रेंज का मोबाइल है वन प्लस 60। ये 31,000 में आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात करेंगे अगला न्यूज़ के बारे में। अगला न्यूज़ है आपको बताई है वो एक्सबॉक्स सीरीज़ का। एक्सबॉक्स मतलब ये है कि आप अगर पीसी में गेम खेलते हो या फिर विंडोज़ मोबाइल में गेम खेलते हो, उसमें आप गेमिंग के लिए एप्लीकेशन के लिए एक्सबॉक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सबॉक्स ने थोड़ा अपडेट दिया है कि उसमें आपको नया फीचर्स मिलेंगे, नया गेम मिलेंगे, नया कुछ एप्लीकेशन मिलेंगे जिसके आपका मोबाइल पीसी थोड़ा स्मूथ चले। अभी अभी नेक्स्ट अपडेट करेंगे गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल का एक ऐप होता है और गूगल पिक्सल शायद का आप सकते हैं। गूगल पिक्सल मतलब होता है फ्री स्टॉक इमेज का। ये गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल टीम विथ रिकवरी प्रोजेक्ट वन प्लस। वन प्लस और गूगल पिक्सल अभी दोनों मिलकर एक कुछ काम करने वाला है, तो उसके लिए मोबाइल प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कुछ कैमरा ऐप्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकते हैं। अभी इतना थोड़ा इतना ये इसका टॉपिक है इतना खुल के नहीं हो रहा कि ये मतलब गूगल पिक्सल और वन प्लस भी अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो अभी बात करेंगे डेविल माई क्राई फाइव। आपको बताइए होगा ये बहुत बहुत बढ़िया गेमिंग है, वो आप अभी प्ले स्टेशन में भी खेल सकते हो। PlayStation 4 में, PlayStation 5 में अब ये गेम खेल सकते हो, डेविल माई क्राई। ये कॉन्सेप्ट नया है, ये टॉपिक भी नया है आप लोग का। ये अगर आप लोग को आप अपने पीसी में कौन सा गेम खेलते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे पता है ज़्यादातर इसका आंसर पबजी होने वाला है, फिर भी ये जो न्यूज़ है मैं आपको दे रहा हूँ। अगला न्यूज़ होगा Realme 3। रियलमी कंपनी पहले ओप्पो के साथ, रियलमी जो मोबाइल था वो पहले जब जब मार्केट में आया था तो ओप्पो का सब ब्रांड होके निकल के आया था, मतलब ओप्पो के साथ उसका अटैचमेंट होके निकल गया। अभी ओप्पो का सीरीज़ अलग हो गया और रियलमी का अलग हो गया। अभी यह है Realme 3, ये मार्च के फोर तारीख को ये लॉन्च होगा Realme 3। इसका प्राइस होगा कम से कम 15,000 के पास, 15,000 से 20,000 के बीच ही होगा। मतलब ये मोबाइल MI को बीट कर देंगे शायद। अभी निकला नहीं है लेकिन अनाउंस हो गया कि इंडिया में ये लॉन्च होगा Realme 3। अभी नेक्स्ट आप बात करेंगे 5G जो स्मार्टफोन निकलेगा, चाहे MI का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे जो भी कंपनी चलो 5G मोबाइल निकले भी दे, तो 5G मोबाइल को चलाने के लिए मतलब एक ब्रांड तो हमेशा तैयार है, वो है हुआई। हुआई मतलब एक मोबाइल का ब्रांड है, ये एक ब्रॉडबैंड है। अगर आप पीसी में अगर 5G का टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करने चाहते हो तो आपको ये पहले सुविधा हुआई देगी। तो हुआई का जो मॉडेम है या फिर ब्रॉडबैंड है वो आप पीसी में लगा के मोबाइल में वाईफाई ट्रांसफर कर करके आप उसको सुविधा ले सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि स्मार्टफोन में 5G निकल गया तो उसमें कौन सा क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उसमें होना चाहिए, ये एक सवाल मैं आपके लिए कह रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको आपको मैं अब आप, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि 5G मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, अभी जो मार्केट में है वो होना चाहिए जो स्नैपड्रैगन 810 है या फिर 780 है या फिर 925 है या फिर कुछ भी हो, तो 5G मोबाइल में 4G से ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि स्मार्ट 5G स्मार्टफोन में कौन सा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होना चाहिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा पिक्चर आएगा, उस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।